आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार। सीएम योगी के निर्देश पर जिलेवार माफिया गैंगस्टर सूचीबद्ध। मार्च 2022 से मई 2022 तक 788 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को किया गया चिन्हित। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए की जा रही है कड़ी कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। नौ मंत्रालयों की 13 योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए जन समर्थ पोर्टल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, जनता को जन समर्थ पोर्टल से मिलेगा लोन, बैंक का नहीं लगाना होगा चक्कर। प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से घरौनी सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, जुलाई से कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों की ली जाएगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 75% हाजिरी देने वाले छात्र को ही दी जाएगी छात्रवृत्ति। शासन के द्वारा चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कहा, 10 जून को एक वृहद गरीब कल्याण मेला का किया जाएगा आयोजन। प्रभारी मंत्री सहित अन्य लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की 8 साल की भाजपा सरकार है सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर चलेंगे सभी को साथ लेकर। कलेक्ट्रेट के 4 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई समारोह का उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में किया गया आयोजन। जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए चारों कर्मचारियों को अंग वस्त्र माल्यार्पण कर दी विदाई। और 8 जून से 10 जून तक होगा मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका करेंगे शिरकत। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडे चंद के पुत्र अरुण चंद ने दी जानकारी।